नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विप्लव ब्लॉग्स एंड स्टॉक्स में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बालकृष्णा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, तो बने रहेगा मेरे इस वीडियो के साथ। और आपको बताना चाहूंगा कि हमारा चैनल किसी भी स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं देता है, ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया गया, तो एजुकेशन पर्पज़ पर ही लीजिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं जो कंपनी का मेन बिजनेस क्या है। यहाँ पे आप दोस्तों, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज एन इंडियन मल्टीनेशनल टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेस्ड इन मुंबई इंडिया। आपको तो इंडिया नहीं, हमारे देश भारत में ही मुंबई में है ये कंपनी है और टायर मैन्युफैक्चर करती है। तो यही इनका मेन बिजनेस है, टायर बनाना। इसका चलते इसके वैल्यूएशन पे, तो वैल्यूएशन में मार्केट कैपिटलाइजेशन 39,638 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। आप देख सकते हो, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है आज और बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस वजह से मैं बाहर वीडियो बना रहा हूँ, इस वजह से आपको ट्रैफिक की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 39,638 करोड़ का है। दो का फेस वैल्यू है, EPS 74.25 का है, P 27.62 का P और सेक्टर P 31.70 का है, बुक वैल्यू 358.63 और डिविडेंड यील्ड परसेंटेज डैश है। तो वैल्यूएशन तो अच्छा ही नज़र आ रहा है। इसका चलेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर शेयर मार्केट यानी स्टॉक मार्केट में नए हो और अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। विदाउट डीमैट अकाउंट आप शेयर मार्केट यानी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन करवा लीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में मार्च 2022 और दिसंबर 2021 का डेटा है। तो सबसे पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग देखते हैं। तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है, दिसंबर 2021 में 58.29% शेयर प्रमोटर्स के पास थे, वही मार्च 2022 में 58.29% शेयर ही प्रमोटर्स के पास है। प्लस की बात करते हैं, प्लस शेयर वो थे जो प्रमोटर्स अपने शेयर गिरवी रखते हैं, उसको प्लस शेयर कहा जाता था। प्लस शेयर दिसंबर 2021 में जीरो था, वही मार्च 2022 में भी जीरो है, यानी प्रमोटर्स ने अपना एक भी शेयर गिरवी नहीं रखा है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। और जो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर, इनकी जो होल्डिंग है दिसंबर 2021 में 15.07% शेयर जो फॉरेन इन्वेस्टर के पास थे, भाई मार्च 2022 में 14.05% शेयर जो फॉरेन इन्वेस्टर के पास है। दूसरे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड कंपनीज, इनकी जो होल्डिंग है दिसंबर 2021 में 11.48% शेयर म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास थे, भाई मार्च 2022 में 11.64% शेयर जो म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास है। अदर्स की बात करते हैं, तो अदर्स दिसंबर 2021 में 15.06% शेयर अदर्स के पास थे, वही मार्च 2022 में 15.88% शेयर जो अदर्स के पास है। तो यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर जो प्रमोटर्स होते हैं, प्रमोटर्स के सबसे ज़्यादा शेयर से और प्लस शेयर 0.0, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। और जो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड कंपनी, इन दोनों ने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट बनता है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी अच्छा ही मानेंगे। इसके बाद चलिए चलते इसके लास्ट थ्री क्वार्टर का जो रिजल्ट था, रिजल्ट मैं आप लोग दिखा देता हूँ। तो लास्ट थ्री क्वार्टर के रिजल्ट में मार्च 2022, दिसंबर 2021 और सितंबर 2021 का डेटा है। तो सबसे पहले सेल्स देखते, तो सेल्स सितंबर 2021 में 2049 करोड़ का सेल्स था, वही दिसंबर 2021 में 2029 करोड़ का सेल्स था। तो सितंबर से दिसंबर में सेल्स डिक्रीज हुआ था, और मार्च 2022 का जो सेल्स था 2373 करोड़ का था, तो ये इंक्रीज हुआ, यानी लास्ट क्वार्टर का सेल्स से पहले वाले दोनों क्वार्टर से इंक्रीज हुआ, तो काफ़ी अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट देखते हैं, सबसे नीचे सबसे बॉटम में है, तो नेट प्रॉफिट सितंबर 2021 का 377 करोड़ का था, और दिसंबर 2021 का जो नेट प्रॉफिट था 328 करोड़ का था। तो सितंबर से दिसंबर में नेट प्रॉफिट डिक्रीज हुआ, जैसे कि सेल्स डिक्रीज हुआ था, और मार्च 2022 का जो नेट प्रॉफिट है 373 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो दिसंबर 2021 से नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, लेकिन सितंबर 2021 से मार्च 2022 में जो नेट प्रॉफिट है, यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, लेकिन सेल्स यहाँ पे ज़्यादा था मार्च के क्वार्टर का, लेकिन नेट प्रॉफिट कम आया। तो इस बारे में कंपनी को ज़रूर एनालिसिस करना चाहिए कि सेल्स ज़्यादा होने के बावजूद भी मार्च 2022 का नेट प्रॉफिट कम आया सितंबर 2021 के कंपेरिजन में। इसका चलिए चलते इसके बैलेंस शीट के ऊपर। तो बैलेंस शीट पर मार्च 2022 और मार्च 2021 का डेटा है। तो टोटल शेयर कैपिटल देखते हैं, तो दोनों ईयर में सेम है। आप देखो, टोटल शेयर कैपिटल 38.66 करोड़ का टोटल शेयर कैपिटल है दोनों ईयर में। नेटवर्थ की बात करते हो, मार्च 2021 में 6,007.21 करोड़ का नेटवर्थ था, वही मार्च 2022 में 6,924.55 करोड़ का नेटवर्थ है। टोटल डेट देखते हैं कंपनी को, और कर्जा कितना था। टोटल डेट मार्च 2021 में 893.35 करोड़ का टोटल डेट था, नहीं कर्जा था,
भाई मार्च 2022 में 2,442.58 करोड़ का टोटल डेट यानी कर्जा है। तो आप देखो कंपनी का जो टोटल डेट है यानी कर्जा है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यानी बढ़ रहा है कर्जा। तो इस बारे में कंपनी को जरूर ध्यान देना चाहिए कंपनी को और कर्जा बढ़ रहा है उसको रिड्यूस कैसे किया जाए, कम कैसे किया जाए। इसके चले चलते इसके चार्ट के ऊपर, तो चार्ट में आपको बता दूँ कि आज 16 मई है और आज का मार्केट अभी क्लोज हो चुका है। तो आज स्टॉक 2,045 रुपये पे क्लोज हुआ है, 156.95 रुपये ऊपर जाके बंद हो 8.31% आप देख सकते हैं यहाँ पे आज स्टॉक ऊपर जाके क्लोज हुआ, यानी जंप लगा 8.31% स्टॉक आज ऊपर जाके क्लोज हुआ है। पिछले 5 दिन का परफॉर्मेंस देखते तो पिछले 5 दिन में पॉजिटिव रिटर्न दिया 1.93% का पॉजिटिव रिटर्न पिछले 5 दिन का है, यानी 1.93% का पॉजिटिव रिटर्न है पिछले 5 दिन का और 38.70 रुपये पिछले 5 दिन में स्टॉक ऊपर गया है। पिछले 1 महीने की बात करें तो नेगेटिव रिटर्न है पिछले 1 महीने में 1.88% का नेगेटिव रिटर्न है, यानी 1.88% का नेगेटिव रिटर्न है पिछले 1 महीने का और 39.25 रुपये पिछले 1 महीने में स्टॉक नीचे गया है। पिछले 6 महीने की बात करें तो पिछले 6 महीने का भी पॉजिटिव रिटर्न है, पिछले 6 महीने में 11.94% का पॉजिटिव रिटर्न है, यानी 11.94% का पॉजिटिव रिटर्न पिछले 6 महीने का, 277.15 रुपये पिछले 6 महीने में स्टॉक नीचे गया है। ईयर टू डेट देखते तो ईयर टू डेट में भी नेगेटिव रिटर्न है 12.14% का नेगेटिव रिटर्न है, यानी 12.14% का और नेगेटिव रिटर्न ईयर टू डेट का है और 282.45 रुपये ईयर टू डेट में स्टॉक नीचे गया है। पिछले 1 साल का डेटा देखते तो पिछले 1 साल का भी नेगेटिव रिटर्न है 1.87% का नेगेटिव रिटर्न है, यानी 1.87% का नेगेटिव रिटर्न है पिछले 1 साल का और 38.90 रुपये पिछले 1 साल में स्टॉक नीचे गया है। पिछले 5 साल की बात करते हैं, पिछले 5 साल का पॉजिटिव रिटर्न है 172.15% का पॉजिटिव रिटर्न पिछले 5 साल का है, यानी 172.5% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, माफ कीजिए 15% का पॉजिटिव रिटर्न दिया पिछले 5 साल में और 1,293.57 रुपये पिछले 5 साल में स्टॉक ऊपर गया है। मैक्सिमम चार्ट देखते नहीं लॉन्ग टर्म देखते तो लॉन्ग टर्म में भी अच्छा रिटर्न ही है। लॉन्ग टर्म का जो चार्ट है 2006 से 2022 तक का है चार्ट आपके सामने, आप देख सकते हो लगभग 16 साल का चार्ट आपके सामने, तो इन 16 साल में 1,670.41% का पॉजिटिव रिटर्न है, यानी आप देख सकते हो 1,670.41% का पॉजिटिव रिटर्न 16 साल में दिया तो अच्छा ही मानेंगे और 1,929.49 रुपये इन 16 सालों में स्टॉक ऊपर गया है। चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो एक ही टर्न में स्टॉक ऊपर जाता है, यहाँ के थोड़ा सा नीचे गया और यहाँ से फिर से ऊपर गया और अभी थोड़ा सा नीचे आप देख सकते हो ट्रेड करा अपने हाई से। इसका चलिए चलते हैं एनएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पे, बाकी जानकारी वहाँ पे देता हूँ। तो यहाँ का डेटा थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि लेटेस्ट डेटा आ जाए, देख सकते हो रिफ्रेश कर दिया है और 16 मई 4 बजे तक का डेटा क्लोजिंग प्राइस बता चुका हूँ 2,045 रुपये का है। प्रीवियस क्लोज होता 1,888.05 रुपये का था, आज ओपन जो था 1,928 रुपये पे हुआ था और आज का हाई जो लगा 2,076.76 रुपये का लगा और लो जो लगा 1,888.05 रुपये का लगा, कुल एडजस्टेड प्राइस 2,050.45 रुपये का है। 52 वीक हाई 52 वीक लो देखते हैं तो 52 वीक हाई आपको ग्रीन कलर में दिख रहा होगा जो कि है 2,723.80 रुपये का, 23 सितंबर 2021 का 52 वीक हाई लगा था। 52 वीक लो की बात करें 1,690.55 रुपये का जो कि 7 मार्च 2022 को 52 वीक लो लगा था। सिक्योरिटी का डिलीवरी पोजिशन देखते हैं, डिलीवरी डेटा देखते हैं तो डिलीवरी डेटा में 16 मई 4 बजे तक का डेटा, यानी आज का 4 बजे तक का डेटा, तो आज 4 बजे तक टोटल क्वांटिटी जो ट्रेड हुआ है वो 8,12,845 क्वांटिटी की टोटल ट्रेडिंग हुई है, यानी 8,12,845 क्वांटिटी की टोटल ट्रेडिंग हुई है और इसमें जो डिलीवर क्वांटिटी है 1,01,928 क्वांटिटी की डिलीवरी हुई है, यानी 1,01,928 क्वांटिटी की टोटल डिलीवरी हुई है और परसेंटेज ऑफ डिलीवर क्वांटिटी निकल गए 12.54, यानी 12.54% की डिलीवरी 20% से ज़्यादा की डिलीवरी अच्छी मानी जाती है तो उससे काफ़ी कम हुई है, शायद आने वाले टाइम पे डिलीवरी अच्छी हो जाए। इसके बाद बात करते हैं इसने जो डिविडेंड दिया है कब दिया कितना दिया अभी मैं आप लोग बता देता हूँ। तो आप देख सकते हो इसने जो डिविडेंड दिया वो 21 फरवरी 2022 को दिया, 4 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया था और 21 फरवरी 2022 को एक स्पेशल डिविडेंड भी था जो कि 12 रुपये पर शेयर का डिविडेंड था। 17 नवंबर 2021 को 4 रुपये पर शेयर डिविडेंड दिया था। 12 अगस्त 2021 को 4 रुपये पर शेयर डिविडेंड दिया था। 18 जून 2021 को 5 रुपये पर शेयर डिविडेंड दिया था। 15 फरवरी 2021 को 5 रुपये पर शेयर डिविडेंड दिया था। तो ये थे इसने जो लास्ट 5 डिविडेंड दिए थे कब दिए थे कितना दिए थे बता चुका हूँ और एक जो स्पेशल डिविडेंड था वो भी बता चुका हूँ कब दिया था कितना दिया था। और इस स्टॉक के जितनी भी जानकारी मेरे पास थे मैंने आप लोगों को दे दिया। लास्ट में डिसीजन आपको लेना है कि आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक को इग्नोर करना है। लास्ट में आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हम वीडियो लाते रहते प्लीज मैं सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और अगर आपके क्वारी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आपके जरूर प्लान करूंगा। आपका सजेशन चैनल को लेकर कमेंट सेक्शन जरूर दीजिएगा। आई होप रिक्वेस्ट करें सब्सक्राइब कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलता है ग्लोडो में। जय हिंद।